और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत के बयान पर विवाद मचा है। मुंबा देवी सीट कैंडिडेट शाइना एनसी पर बयान दिया है, इंपोर्टेड माल नहीं चलेगा अरविंद सावंत ने कहा। इंपोर्टेड नहीं चलता यार, इंपोर्टेड माल नहीं चलता हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है, ओरिजिनल माल है हमारा। अरविंद सावंत को शाइना एनसी का जवाब सामने आया है। गलत बयान देने वाले को जनता बेहाल करेगी। पेशेवर महिला के लिए गलत बयान दिया गया है, जनता अरविंद सावंत को सबक सिखाएगी, ये शाइना की तरफ से कहा गया। एक महिला का सम्मान नहीं कर सकते हैं, एक सक्षम महिला जो एक प्रोफेशनल है, जो आती है राजनीति में, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। 2014 और 2019 में आपके लिए मोदी जी के नेतृत्व में हम सब ने काम किया, इसलिए आपका हाल है जो है। अब जो आप बेहाल होएंगे इस वजह से क्योंकि आपने एक महिला को माल बुलाया। मैम आप कुछ एक्शन लेंगे? एक्शन लूं ना लूं, जनता इनको बेहाल करेगी क्योंकि उन्होंने माल जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है एक सशक्त महिला के लिए। और वो मेरे प्रति टिप्पणी नहीं, उनकी मानसिकता, उनकी सोच, उनकी विचारधारा यहाँ स्पष्ट होता है। और देखिए राजीव सिंह इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। राजीव, देखिए मुंबा देवी जो सीट है वहां से उम्मीदवार हैं शाइना एनसी, और उनको लेकर ये जो पूरा बयान दिया गया अरविंद सावंत की तरफ से, कितना विवाद अब इस बयान के बाद देख पा रहे हैं आप? देखिए स्थानीय बात करते हुए एक इम्पोर्टेड माल शब्द का प्रयोग किया था अरविंद सावंत ने, और इसके बाद शाइना एनसी तक जब बात पहुंची तो शाइना एनसी ने सबसे पहले ट्वीट किया कि महिला है माल नहीं है, और उसके बाद में उनका बयान सामने आया कि जिस तरह से महिला का अपमान किया गया है लोकल पॉलिटिक्स में, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि महिला का सम्मान किया जाना चाहिए। और शाइना एनसी ने साफ शब्दों का पूरे मामले में वो चुनाव आयोग से भी शिकायत करेंगे और पुलिस में भी शिकायत करेंगी, हालांकि शिकायत कब दर्ज कराएंगी ये उन्होंने नहीं कहा, लेकिन इस बयान पर आपत्ति जताई गई है। वहीं की तरफ आज संजय राउत से भी जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो संजय राउत ने इस सवाल को सुनकर अनसुना कर दिया और इस पर टिप्पणी करने से बचते रहे। वहीं अरविंद सावंत विवादों में घिरने के बाद अभी तक सामने नहीं आए हैं, तो हालांकि उनके जो नजदीकी लोग हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने शाइना एनसी के लिए स्पेसिफिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया था, उन्होंने सिर्फ कहा था कि बाहरी उम्मीदवार के तौर पर किस तरह से उनको लाया गया, क्योंकि गिरगांव में जिस इलाके में मुंबई देवी से वो चुनाव लड़ रही है वो वहां से वहां रहती नहीं है, वहां की लोकल कह सकते हैं कि नेता नहीं है बल्कि दूसरे इलाके में रहती है मलबार हिल में, इसलिए उन्होंने इम्पोर्टेंट मॉल शब्द का प्रयोग किया था। अच्छा राजीव, एक बात बताइए कि अभी हम शाइना एनसी को सुन भी रहे थे और जो आपत्तिजनक शब्द है जिसका इस्तेमाल किया गया अरविंद सावंत की तरफ से, इसको उनकी तरफ से बताया गया कि ये बहुत ही गलत भाषा जिसका इस्तेमाल किया गया और इस पर उन्हें आपत्ति है, क्या इस पूरे मामले पर ये जो सियासी बयानबाजी, इससे आगे जाकर भी कोई कदम, कोई कार्रवाई, क्या ऐसा मन है शाइना एनसी का, कुछ उठाया जा सकता है? शाइना एनसी ने थोड़ी देर पहले हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि बहुत ही अभद्र टिप्पणी है, सिर्फ उनके ही नहीं बल्कि किसी भी महिला के खिलाफ इस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, राजनीति में शब्दों की एक सीमा होती है उसका पालन किया जाना चाहिए, और चुनावी राजनीति के लिए, चुनावी फायदे के लिए इस तरह के बयान बिल्कुल गलत है, इसलिए उन्होंने इस पूरे मामले में आधिकारिक तौर पर पुलिस थाने में कंप्लेन करने की बात कही, साथ साथ में चुनाव आयोग में भी शिकायत करने की मांग की है, शिकायत करने की बात कही है। अब दरअसल शाइना एनसी ये चाहती है कि अरविंद सावंत पर चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाया जाए, क्योंकि अरविंद सावंत जो है मुंबई देवी सीट पर कांग्रेस के नेता उम्मीदवार जो है अमीन पटेल उनका चुनाव प्रचार कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने बात कही थी। ठीक है ठीक है, यानी राजीव पुलिस के साथ साथ चुनाव आयोग में भी शिकायत की जो बात है वो शाइना एनसी करती हुई नजर आ रही। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।